प्लीज सब्सक्राइब करें टीआरपी न्यूज चैनल को और दबाएं इस घंटी को। आज जो है देश में जो नागरिकता बिल को लेकर जो है ये जामिया में भी उत्तर्व हो रहा है, क्या कहेंगे आप इसमें? नागरिकता बिल से इस देश के किसी भी नागरिक का कोई संबंध नहीं, न हिंदू का न मुसलमान का। ये नागरिकता संशोधन बिल लाया गया है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, पादरी जो प्रभावित हुए हैं धर्म के आधार पर, जिनको पीड़ित किया गया है, जिनको भगा दिया गया है, ऐसे लोग शरणार्थी बन के हिंदुस्तान में आए, उन शरणार्थियों के लिए है। अब आप जामिया की बात कर रहे हैं, अगले मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, आप देश के कहीं और दंगे की बात कर रहे हैं, तो जैसे सिख दंगों के समय कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से देश में सिखों का कत्लेआम कराया था, ठीक उसी तल पर ये खिसियानी हुई कांग्रेस, फेल हुई कांग्रेस सारे देश में सांप्रदायिक दंगे करा करके हिंदू मुसलमान में फूट डालना चाहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों से विनम्र आग्रह करूंगा, मुसलमानों का इस बिल से कोई लेना देना नहीं। जैसे हिंदू यहाँ का नागरिक है, वैसे यहाँ का मुसलमान भी नागरिक है। सारे अधिकार जो हिंदुओं को प्राप्त हैं, वो यहाँ के मुसलमानों को भी प्राप्त हैं। इसलिए कांग्रेस या किसी राजनेता, किसी राजनीतिक दल के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद भी अगर कोई बदतमीजी करने की कोशिश करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, तो फिर कानून अपना काम करेगा, फिर सरकार को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, जैसा हमने मेरठ में किया। जैसा कि आपके उन्नाव में जो है एक महिला को जो जला दिया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है, और उसमें क्या कहेंगे आप? बहुत शर्मनाक घटना हुई, हम शर्मसार हैं। उस बेटी के साथ पहले दिन जब ये चर्चा हमारे संज्ञान में 2 साल पहले आई थी, तब से मैं पूरी ताकत से उस बिटिया के साथ खड़ा था, और हमने वहां के जिला प्रशासन से कह के तत्काल घटना के 1.5-2 घंटे के अंदर ही 5 अपराधियों को पकड़वा लिया था। अब वो जेल के संयुक्त के अंदर हैं। कानून को अपना काम करना चाहिए, और मेरा मानना है जिस प्रकार से हैदराबाद में बलात्कारी के साथ हुआ, ऐसे ही जहां कोई बलात्कार करे सारे देश में तत्काल व्यक्ति को दंड मिलेगा, तो बलात्कार की इन घटनाओं को रोका जा सकता है। विपक्ष का आरोप है कि झूठे फंसाए जा रहे हैं इस मामले में, विपक्ष का आरोप है कि झूठे फंसाए जा रहे हैं। ये बात कोर्ट में कही जा सकती है, लड़की जली है, लड़की के साथ अभद्रता हुई है, कोर्ट केस में चल रहा है, आज क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय कोर्ट कर सकता है, साक्षी मारा नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में विरोधी पार्टी कह रही है कि देश की बात कर रहे हैं मोदी जी, जब पड़ोसी मुल्क से उनका विरोध है जैसे चीन और पाकिस्तान से, तो देश को वो तोड़ने का काम कर रहा है पाकिस्तान और चीन, क्या कहेंगे? ये चीन का पाकिस्तान का काम है देश को तोड़ने का, हमारा काम है देश को जोड़ने का। आज भारत विश्व में बहुत बड़ी ताकत वाला हो गया है, और मुझे लगता है आने वाले 5-6 साल के अंदर भारत विश्व गुरु कहलाएगा और विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। देश मजबूत होता चला जा रहा है, और आज मेक इन इंडिया के माध्यम से हम सारे देश में छा रहे हैं, सारे विश्व में छा रहे हैं। महोदय, अभी जो है ये यहाँ पे जो है भोगांव में एक स्थित है नवोदित विद्यालय, इसमें एक अनुष्का नाम, सॉरी महोदय, ये एक विद्यालय है यहाँ पर, क्या नाम? नवोदय दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वो मुझे पहले से जानकारी थी। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री को उसका ज्ञान हुआ, तो SIT गठित कर दी गई, जांच चल रही है, उसमें कुछ अधिकारी नपे भी हैं, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी इस पूरे केस को CBI से जांच कराने की, तो वो भी कराई जाएगी, परंतु दोषियों को दंडित किया जाएगा।